बजरंगबली को मानते हैं तो उन्हीं को पूजा पाठ करते हुए एक बार मन में ऐसे रूम में आ गया, दोनों पार्टनर, एक और मेरा पार्टनर है, तो वही दोनों के मन में आ गया कि एक बार चला जाए। मैं यही चाहते कि रामलला विराजमान हो गए, और अभी जब उनको होने का था अभी तो अभी हो गए, मोदी जी करवा दिए। पहुँचने के बाद जब उद्घाटन हो जाएगा तो पूजा पाठ करके फिर वापस गाड़ी से आ जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। आज हमारे साथ एक युवक मौजूद हैं जो कि पैदल जा रहे हैं अयोध्या। मैं आपको बता दूं, 22 जनवरी को अयोध्या में एक महा उत्सव हो रहा है और जो रामलला हैं उनको उनका मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है। और जमुई के ही शैलेंद्र कुमार हैं और ये यहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं और यहाँ से लगभग 570 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से ही जमुई से ही ये पैदल निकले हैं अयोध्या की यात्रा में। तो आइए इनसे बात कराते हैं और पूछते हैं कि क्या मकसद है जाने का, कैसे क्यों जा रहे हैं अयोध्या। नमस्कार, सभी बड़े भाइयों को प्रणाम और चाचा को भी प्रणाम, जय श्री राम। मकसद कुछ नहीं है भैया, ऐसे उनके प्रतीक हमारा दिल में आस्थाना है और प्रतीक भावना है, तो हम जा रहे हैं उनके दरबार में। तो ये आया कैसे, ये मन में क्यों आया ये? ऐसे बजरंगबली को मानते हैं तो उन्हीं को पूजा पाठ करते हुए एक बार मन में ऐसे रूम में आ गया, दोनों पार्टनर, एक और मेरा पार्टनर है, तो वही दोनों के मन में आ गया कि एक बार चला जाए। मतलब मन में श्रद्धा है, श्रद्धा को ही, हाँ, श्रद्धा को ही लेकर जा रहे हैं। तो 22 तारीख तक पहुँच जाइएगा? हाँ, 22 तारीख तक आराम से पहुँच जाएंगे। आराम से, तो क्या कैसे कैसे चलिएगा, कहाँ रुकना है, रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी? मंदिर में रुकना है, कष्ट जो भी होगा उसको झेल के ही चलना है। तो ये क्या प्लानिंग पहले से चल रही थी या फिर अभी जो अयोध्या मंदिर बन रहा है उसको लेकर के? 6 महीना से प्लानिंग चल रही है। 6 महीने से प्लानिंग चल रही है। तो आप करते क्या है? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे, अभी क्या करते हैं? अभी HDFC बैंक में काम करते हैं। अच्छा, HDFC बैंक में काम करते हैं, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन डिपार्टमेंट। तो आपके जो साथी हैं वो आपके साथ हैं या फिर आगे कहीं जुड़ेंगे? ये एक साथी जो मेरा पार्टनर है, रूम पार्टनर, वो महादेव सिमरिया में मिलेंगे। अच्छा, तो अभी जो वहाँ पे 22 जनवरी को जो उत्सव होने वाला है, पूरे देश से लोग वहाँ पर आने वाले हैं, बहुत बड़ा जमावड़ा लगने वाला है, क्या इसको मंदिर जो बन रहा है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेष्ठ तो देना चाहेंगे जो उनका कार्य करता है, जो बनवा रहे हैं उनको तो होना चाहिए। तो ये रामलला इतने दिनों से अपने विराजमान होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको, इस पर क्या कहेंगे? कहना यही चाहते कि रामलला विराजमान हो गए और अभी जब उनको होने का था अभी तो अभी हो गए, मोदी जी करवा दिए। किसको धन्यवाद करेंगे? ये तो मोदी जी को करेंगे, मोदी जी को धन्यवाद करेंगे। क्या अभी रास्ते में कुछ पैसे उसे की भी जरूरत पड़ेगी, क्या लोगों को से कुछ अपील भी करना चाहते हैं? पैसे तो हम ले लिए हैं और अपील यही करना चाहते हैं, मेरा एक YouTube चैनल शैलेंद्र कुमार के नाम से है, उसको थोड़ा शेयर कर दें ताकि आगे जहाँ भी जाएं, जाने से पहले उन लोगों को जागरूक हो जाए भाई। अच्छा, तो लोग रास्ते में आपका रूट क्या है, कैसे कैसे जाइएगा आप? ये हम सिकंदरा होते हुए, शेखपुरा होते हुए, जो 4 लाइन है वहाँ से, 4 लेन पटना वाला जो, हाँ, पटना वाला जो 4 लाइन, पटना से होते हुए फिर सीधा, हाँ, अयोध्या की ओर चले जाइएगा। पहुँचने के बाद क्या प्लानिंग क्या कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद? पहुँचने के बाद जब उद्घाटन हो जाएगा तो पूजा पाठ करके फिर वापस गाड़ी से आ जाना है। अच्छा, पूरे तैयारी करके चले हैं? हाँ, तैयारी करके। तब कंबल स्वेटर वगैरह सब ले, सारा चीज़ ले। खाना पीने का क्या इंतजाम होगा? खाने पीने का ले लिए हैं थोड़ा बहुत, और जो ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाज़ार से हम ले लेंगे। तो ये एक बैग से, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से 570 किलोमीटर पैदल जाना, क्या चाचा 570 किलोमीटर पैदल जाना? बहुत बड़ी बात। क्या कहेंगे इनके लिए आप? इनके लिए तो बहुत ऊपर वाले श्री रामचंद्र भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि इनका जिंदगी करेंगे, भगवान का कृपा है, अपने बेड़ा पार कर लेंगे, बेड़ा पार तो भगवान ने लगाते हैं। बहुत खुशी की बात है, हम लोग आनंद मना रहे हैं एकदम। तो जम्मू के ही हैं? जम्मू के हैं, बहुत हम लोग धरती में विकास हो रहा है, बहुत नाम ऊंची हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। 22 जनवरी को वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ, क्या हाँ, किसको दीजिए देना चाहिएगा सर? मोदी जी का किसको देना चाहिए? हाँ, उनको छोड़ा किनको देंगे? उनको छोड़ा किन को नहीं देंगे, वे तो बहुत विकास कर रहे हैं, उनको छोड़ किन को देंगे? चल हम लोग बचन ताल उनको देंगे, हाँ, हमारे पूरा परिवार तक देंगे, उनको छोड़ किसी को नहीं देंगे। तो सुना आपने, जम्मू के शैलेंद्र
570 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर पूजा पाठ करेंगे। ऐसे हालांकि इनका कोई मकसद नहीं है, इनके मन में श्रद्धा थी और रामलला विराजमान होने वाले हैं 22 तारीख को, तो रामलला के दर्शन करने के लिए जम्मू से ही लगभग 570 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि इन्होंने माना कि कठिनाइयाँ तो होंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को सहते हुए अपने श्रद्धापूर्वक रामलला का दर्शन करने का एक ठाना है, तो हम लोग इसको पूरा करेंगे। और जो भी लोग रास्ते में मिलेंगे, हम चाहेंगे कि इनको अगर कोई मदद कर सके तो ज़रूर मदद कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।